Hello dear students of class 12th, once again I welcome you all in this online session of classes. So as we all know, while doing the syllabus, we are now on chapter number 7 and the name of the chapter is Integrals. We have started this chapter number 7 and I have told you in the previous session and up to the previous session, we have winded up exercise 7.1 which was based upon the very basic formulas which you have studied in differentiation also, because you very well know that integration is also known as antiderivative. It is the inverse process of differentiation. Integration kya hai? It is the inverse, means it is the just opposite process of differentiation. So yes, an integral used to be of two types. One is indefinite integral and second one is definite integral. Is pure chapter mein aap pehle indefinite integrals padhenge. Last wali do exercises mein aap log padhenge definite integrals. Alright, sabse pehle indefinite integrals ki hum log baat kar rahe the. फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने सिंपल बेसिक फॉर्मुलेस पढ़े. नाउ देर आर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. बेसिकली देर आर थ्री मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन. फर्स्ट वन इज बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, थर्ड वन इज बाय पार्ट्स. सिंस यू मे बी थिंकिंग दैट एनी क्वेश्चन इफ कम्स टू यू, यू कैन डू बाय एनी, यू कैन डू बाय ऑल ऑफ दीज थ्री मेथड्स, मीन्स आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बाय पार्ट से भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. इन योर फंक्शन दैट क्वेश्चन कैन बी डन आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट. इन तीनों में से कोई एक ही मेथड अप्लाई होगा. कौन सा मेथड अप्लाई होगा वो आपको जज करना है क्वेश्चन में, ठीक है. जब ये पूरा चैप्टर आप कर लेंगे when we will complete this chapter, then after completing this chapter, very easily you will be able to comprehend that which method will be used in your question. All right. So now I'm starting with the very first method, that is by substitution method, integrating by substitution method. So yes. So what is the basics of this substitution method in this integration, which is the very first method. So substitution का मतलब क्या होता है? आपने कुछ substitute करना है, means कुछ put करना है, ठीक है. कोई भी function को, for example वो function आपका x की form में given है, तो आपको उसे किसी और variable से replace करना है, put करना है या फिर substitute करना है. लेकिन कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी है करने की, देखें. सबसे पहले इंटीग्रेशन की सब्सटीट्यूशन मेथड यूज ही क्यों करना पड़ेगा, देखिए. अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप से हो, ठीक है, मान लीजिए ऐसे फंक्शन है आपके पास अपॉन की टर्म्स में, रेशनल नंबर की टर्म्स में, ठीक है, फ्रैक्शन की टर्म्स में. और उस फ्रैक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर न्यूमरेटर में आपके पास डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो, या फिर अपोजिट भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो, कैसे है, फ्रैक्शन की टर्म्स में है आपका फंक्शन, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है और उल्टा अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, मान लीजिए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर को क्या पुट कर दीजिए, टी पुट कर दो या वाई पुट कर दो या जेड पुट कर दो, एज योर कन्वीनियंस, किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है. फिर हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है. सिर्फ अपॉन में नहीं, इनटू में भी हो सकते हैं. मान लीजिए ऐसे करके हैं कि लॉग एक्स, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, log x into 1 upon x dx. इसलिए ये कोई क्वेश्चन है तो सर आपको साफ पता चल रहा है, ठीक है, कि log x भी है और साथ में 1 upon x भी है, ठीक है. log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 upon x, ठीक है. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है. इनटू में भी हो सकते हैं, और जिस चीज का फंक्शन, जिस चीज की डिफरेंशिएशन है, किसकी डिफरेंशिएशन है, log of x की, तो log of x को आप यहाँ पे t पुट करके आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है. कैसे करेंगे देखते हैं. नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.2. एक्सरसाइज 7.2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन द फंक्शन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 37. सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रल का साइन क्वेश्चन में नहीं बना हुआ, आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है तो अपने आप लगा लीजिएगा. 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx. 2x upon 1 plus x square into dx. ठीक है, so let us start. देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें
फंक्शन आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। ध्यान से अगर आप चेक करें, चेक कीजिए कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में तो नहीं है, या फिर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में तो नहीं है। न्यूमरेटर है 2x, 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2 अपॉन में नहीं है, नॉट पॉसिबल। डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 की डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, सो 0 प्लस 2x विल गिव यू 2x, सो 2x न्यूमरेटर में है, यस। तो दैट मींस किसकी डिफरेंशिएशन है, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर को पुट कर दीजिए t या फिर z, सो सब्स्टिट्यूट, या फिर पुट एक ही बात है, पुट 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ आपका फंक्शन x की टर्म्स में है और आप उसको t की टर्म्स में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने x के और t की टर्म्स में चेंज किया, तो इस dx को मतलब जिसके वजह से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको भी t की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 की डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर की 2x और t की dt / dx, बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dt / dx, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपने इंटीग्रेशन कर दी है, इंटीग्रल 2x dx, तो देखिए 2x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt, dt अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का आपने क्या पुट किया है, सर ध्यान से देखिए फंक्शन क्या है, क्या आप इसका लिख सकते हैं, 1 अपॉन t इंटू dt, ठीक है, 1 अपॉन t इंटू dt मतलब आपने डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन किसी करनी है, 1 अपॉन t की विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए सिंस 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, तो 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सिर्फ देखिए जैसे आप x को ट्रीट करते हैं वैसे आप लोगों ने यहाँ पे t को ट्रीट कर लिया, सिर्फ वेरिएबल x हो, y हो, z हो, t हो, नो प्रॉब्लम, तो 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन log t प्लस c, बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या आता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं आता, और लास्ट में इतना आंसर नहीं छोड़ना है, t की वैल्यू को ऑरिजिनल जो वैल्यू थी वो पुट कर दीजिए x की टर्म्स में, सो दैट इज log of 1 प्लस x स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है, log of 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। बहुत ही आसान है, लेट अस स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 1 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस x log x, इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस x log x dx, ठीक है ना, ये इंटीग्रल और dx नहीं लिखा हुआ है, वी आर इंटीग्रेटिंग, सो यू कैन पुट दिस इंटीग्रल साइन विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ सिर्फ देखिए, अब इसमें चेक कीजिए, डायरेक्ट चेक मत कीजिए सिर्फ, कहीं डायरेक्टली तो थोड़ा नहीं हो पाएगा, अगर आप ध्यान से डिनोमिनेटर को चेक करें तो उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ रहा है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो x 1 प्लस log x, ऑल राइट। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो आपको बहुत ही आसानी से आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो सिर्फ एक स्टेप और यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, वो एक स्टेप क्या बढ़ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस x को न्यूमरेटर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो, कैन यू राइट डाउन लाइक दिस 1 अपॉन x, क्या अपने फंक्शन के स्टेप लिख सकते हैं, 1 अपॉन x का मतलब क्या है कि x कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से अगर आपने न्यूमरेटर में लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 1 लिखते हैं ना, तो x की पावर माइनस 1 को लिख लो ऐसे 1 अपॉन x, ठीक है, कैसे लिख लीजिए 1 अपॉन x। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन तो डिनोमिनेटर में नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x के अंदर आप डिफरेंशिएशन चेक करें, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएशन चेक करना है बस आप लोगों ने, 1 की डिफरेंशिएशन 0, log of x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x न्यूमरेटर में है, तो जिसकी डिफरेंशिएशन है डिनोमिनेटर की है, डिनोमिनेटर को t पुट कर दीजिए, सो पुट, देखिए मैंने साइड में पुट किया, स्टेप बाय स्टेप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, put 1 plus log of x equals to t, for differentiation 1 ki differentiation 0, log of x ki 1 upon x, t ki dt by dx,
नेक्स्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/x dx इज इक्वल्स टू dt, सो इंटीग्रल में पुट कर दीजिए, 1/x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 1 + log x, तो आपने क्या पुट किया है, t पुट किया है, सो अगेन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/t (dt), सो 1/t की इंटीग्रेशन अगेन log t + c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है 1 + log x, सो log ऑफ ब्रैकेट पुट कर दीजिएगा, t की जगह क्या पुट कर दीजिए, ओरिजिनल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x 1 + log x + c, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, log ऑफ 1 + log x + c। All right, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने माइंड में चेक करना है। नाउ आफ्टर दैट आई एम डूइंग फॉर यू ऑन बोर्ड क्वेश्चन नंबर नाइन आई एम डूइंग फॉर यू पीपल। जैसे मैंने बताया कि अपॉन की टर्म्स में भी हो सकते हैं और फंक्शन आपके इनटू के टर्म्स में भी हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, फंक्शन कैसा है, इंटीग्रल ऑफ 4x + 2 ब्रैकेट में गिवन है, उसके बाद अंडर द रूट x² + x + 1 जी हाँ, और साथ में dx, ये इंटीग्रेशन आप लोगों ने फाइंड करनी है, इंटीग्रल ऑफ 4x + 2 इंटू x² + x + 1। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से चेक करें, इसे सबसे पहले यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, ऑफ कोर्स कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर ले आइए, अंदर क्या बचेगा 2x + 1 इंटीग्रल ऑफ x² + x + 1 इंटू dx। अब स्टूडेंट्स चेक कीजिए, अगर आप 2x + 1 की डिफरेंशिएशन करें तो 2 आती है, 2x की डिफरेंशिएशन 1 और उसकी हल्की 0, वो तो यहां पर अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप यहां अंडर रूट के अंदर चेक करें क्या है x² + x + 1 इसकी डिफरेंशिएशन चेक करें अंडर रूट के अंदर वाले फंक्शन की, x² की डिफरेंशिएशन 2x + x की 1 और 1 की 0, तो क्या आएगी 2x + 1, वो यहां पर है, तो जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन है उसको क्या पुट कर दीजिए, t पुट कर दो, सो पुट, मैंने बताया ना इनटू में भी हो सकते हैं, लेकिन अंडर रूट नहीं, केवल अंडर रूट के अंदर वाला फंक्शन, सो x² + x + 1 को t पुट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, x² की डिफरेंशिएशन 2x + x की डिफरेंशिएशन 1 और t की dt/dx, दैट इज 2x + 1 dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल्स टू dt। नाउ लेट अस कम टू आवर i, तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2 × (x + 1। अब देखिए फ्रेंड्स, 2x + 1 और इस dx दोनों की जगह क्या आ जाएगा dt, तो साइड में लिख लीजिए dt। अब अंडर रूट ऑफ x² + x + 1 इसको आप लोगों ने क्या पुट किया है, t पुट किया है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट t dt। देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे इसको, क्या आप अंडर रूट t को ऐसे लिख सकते हैं, t की पावर हाफ। अब आप लोगों ने पढ़ा है x^n की इंटीग्रल, दैट इज x^(n+1)/(n+1)/c, सो 2 इस वही फॉर्म में लगा दीजिए वहां पे, अभी n यहां पे है हाफ, तो क्या हो जाएगा p^(1/2)+1 द n+1, n कितना है 1/2, तो 1/2 + 1 कितना होता है 3/2 अपॉन में भी 3/2 + c, इस 2 को ऊपर ले जाइए, ठीक है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो 2 × 2 = 4 t की पावर 3/2, सो t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दीजिए, t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है x² + x + 1 raised to power 3/2 + c, दैट इज 4/3 x² + x + 1 raised to power 3/2 + c, ये आपका हो जाएगा आंसर। ऑल राइट, 4/3 x² + x + 1 raised to power 3/2 + c। ऑलराइट, तो ये आपके लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस,
इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 18. लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18. सिर्फ ध्यान से सर ऑब्जर्व देखिए क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं. तीन चार क्वेश्चन करने के बाद आपके खुद दिमाग में आ जाएगा कि आप लोग क्या पुट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है. 18 क्वेश्चन का क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx. ये आपके पास क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx. अब देखिए फ्रेंड्स, चेक कीजिए क्या न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में है या फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है. 1 प्लस x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो वो तो ऊपर नहीं है. अब e की पावर सर अगर आप देखें तो e की पावर समथिंग एज इट इज होती है, वो भी आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं है. अब स्टूडेंट्स अगर आप खाली लेकिन e की पावर चेक करें, e की पावर क्या होती है, e की पावर क्या है, tan इनवर्स x. tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 upon 1 plus x square, और वो यहां पर है 1 upon 1 plus x square. न्यूमरेटर में तो 1 है ही ऑलरेडी, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 upon 1 plus x square, तो पावर की डिफरेंशिएशन है. तो पावर को क्या पुट कर दीजिए, t पुट कर दो, put tan inverse x is equals to t. ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ी है चैप्टर नंबर 5 में. tan inverse x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 upon 1 plus x square. t की क्या हो जाएगी, dt by dx, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली कर लीजिए dt. इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए, I is equals to integral of e raised to power tan inverse x, इसको आप लोगों ने t पुट किया है. साथ में से देखिए अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 1 upon 1 plus x square. ऊपर 1 ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, किसी भी चीज को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही फंक्शन आ जाएगा. तो इस अपॉन 1 प्लस x square कैसे लिख लीजिए, इंटू 1 upon 1 plus x square. ठीक है, सो 1 upon 1 plus x square dx को आप क्या पुट कर देंगे, dt. तो ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, लास्ट में अब आपने इंटीग्रेशन करनी है e raised to power t की. हमने पढ़ा है e raised to power x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e raised to power x as it is. So e raised to power t as it is plus t. बस लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दीजिए क्या है, e raised to power tan inverse x plus and this will be your answer. कुछ पुट करना है, कैसे पुट करना है, जिस चीज की फंक्शन की डिफरेंशिएशन या तो मल्टीप्लाई में हो सकती है या फिर अपॉन में हो सकती है या फिर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो सकती है, तो उसको आप लोगों ने टी पुट करना है और क्वेश्चन के शेप से सॉल्व करना है. ठीक है, सो टुडे वी हैव डन दिस वेरी फर्स्ट मेथड. इन द कमिंग लेक्चर्स और इन द कमिंग वीडियोस वी विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड फर्दर एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. सो टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.